सीबीआई चंद्रचूड़ ने बताया फ्यूचर प्लान। टेक्नोलॉजी से कैसे हर आम आदमी तक बना रहे पहुंच। सीबीआई ने एक साल में बदल डाली सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ अपनी बेदाग इमेज और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बतौर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसे कई फैसले दिए जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। सीजीआई हर आम आदमी की न्यायपालिका तक पहुंच को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन मानते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि मैं न्याय कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देना चाहता हूं। इस कार्य को मैं एक मिशन के तौर पर देख रहा हूं। टेक्नोलॉजी का उपयोग कानूनी प्रणाली पर आम लोगों के विश्वास को बढ़ाएगा। सीजीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हम सभी मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हो सकता है वो किसी के लिए छोटे मुद्दे हों, लेकिन हमारे लिए हर केस अपने आप में स्पेशल होता है। क्या है पूरी खबर आपको सब विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप बताएं, क्या सीजीआई चंद्रचूड़ के आने से सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुआ है? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर 3 करोड़ मामलों की हुई सुनवाई। सीजीआई ने कहा कि मुझे लगता है कि आम नागरिकों में अदालतों के प्रति आस्था और विश्वास की भावना तब जगेगी जब उन्हें हमारी उस गंभीरता का एहसास होगा जिसके साथ छोटे से छोटे मुद्दे पर भी अदालत को फैसला करना होता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इस साल 29 फरवरी तक पूरे देश में उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड पर 3 करोड़ मामलों की सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट में सब डिजिटल मोड में। सीजीआई ने बताया, मेरी अदालत में ना पेपर है ना फाइल है, मेरी अदालत में सब कुछ डिजिटल मोड में है। कोर्ट के कई स्टाफ इन कामों में खास तौर पर एक्सपर्ट हैं। विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। न्याय पहुंचाने के मिशन में कोई पीछे ना छूट जाए, ये हमारा मकसद है। चाहे कोई भी सत्ता में हो, हमारी चिंता आम नागरिकों के लिए है। मैं हर वक्त आम नागरिक के लिए उपलब्ध हूँ। सिस्टम में डिजिटलाइजेशन को दिया जा रहा है बढ़ावा। सुप्रीम कोर्ट में हाल में हुए बदलावों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, 29 फरवरी 2024 तक 3 करोड़ मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुने गए। ई फाइलिंग से लेकर पास तक की सुविधा आम लोगों को उपलब्ध है। आज की तारीख में 25 करोड़ फैसले ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इस साल 6 मार्च तक 46 करोड़ ई ट्रांजैक्शन हुए। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे फेज के जरिए 7200 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इससे ई कोर्ट प्रोजेक्ट के पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिस्टम में हम डिजिटल माहौल बनाना चाहते हैं।